सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं, सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुश्चव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना सोक्तमातरो बीजम् भगवन्ध देवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यते सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्तकण्डे उवाच ॐ जर्गोऽयं वर्मं लोके सर्वजागरणिनां जन्मगजाकरं तन्ने भूहि पितामहः ब्रह्म उवाच अस्तिकोयतमं व्यक्त सर्वभूतोपकारकम् महामने प्रथमं शैलबुद्धिर्द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्मारेति यतोदकम् पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महाकालीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिरात्रिच नवदुर्गः भगेतिराः सूक्तानि तानि नामानि ब्रह्म देव महात्मना अग्निना जह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतारणे विश्वमे दुर्गमे चैव भयाताशरणं गताः नादेशां जायते किञ्चित् अशुभं गणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखमयं नहि यस्तु भक्त्यास्मि साधो न तेषामिति भयायते जय त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षशैलान संशयः वेदसंसातु चामुण्डा वाराहि महिषासना ऐन्द्रिगयसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी दिशारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महर्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विजवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विताः नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नापशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोध समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां यज्ञिं हरं चामुद्रायुधं केतकं तोमरं चैव परशुं वाचमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामयाय च धारयन्ताशुधानीतं देवानां दयिताय नमस्ते सो महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साय महाभयविनाशने त्रायिमां देवि सुश्रेष्ठे शक्तनामयवर्धने प्राचा रक्षतु मामेति अग्निरामग्निदेवता दक्षिणेऽवतु हारायि नैरित्यां खड्गधारिणी पृथिवीचाम्बारिणी रक्ष वायव्यामिगवाहिनी उदीचाम्बातु कौमारी शनशूलधारिणी ओषं ब्रह्माणि मे रज्य यदस्ता वैष्णवी तथा एवं दक्षिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जया मे जाग्रतापादो विजयापादो पृष्ठतः अधिता वामभाजेतो दक्षिणे च पराजिता
शिखा मुख्योजनी मूर्ति व्यवस्थिता महाराजरी ललाटे यशस्वनी ध्ये घंटा जनाधिगे शंकनी चौर्मध्यवासी कपोलोकारिघारजंगले नाजिकायां सुगन्धाजोत्तरोजिका अग्रे चाम्बिलकलाजिपायां गङ्गा रक्षतु कौमारी कण्ठदे चेदजण्डिका घण्टिकां चित्तघण्टा च महामाया जदालुगे कामाजी चुकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठभं च धनुधरे नीलग्रीवावहे गण्डे नरे काम्नलगोभरे स्कन्द्यो गर्गनीरज्य बाहुमे वज्रधारिणे हस्त्यो दण्डनीरज्य अम्बिकाजाङ्गरेशज नकाञ्जुलेश्वरीरज्य दुग्धारज्य गणेश्वरे कणोरज्य महादेवी मनाशोकविनाशने हृदय ललितादेवी उदरे शोदधारिणी नाभोजकामनीरज्य गुह्यं भुवेश्वरे तथा भूतनाकामिकामेणं गुरे महिषवाहिनी कट्या भगवधीरज्य यानने विन्दासने जङ्गे महाबलारज्य सर्वकामं प्रदायने गोधोर्नारस्मिही च पादपृष्ठे सुतेजसे पादाङ्गुलेषु शीलज्य पादाभक्तलवासिने नखाकराले च केशाचेवदगेशने रोमकोपेषु कौवेरि त्वरं भागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामाचार्यस्ति वेदांसि भारते अंसानि कालरात्रे च वेदं च मुकुरेश्वरे पद्मावती भस्मकोजे कवे चूडामनिस्तदा ज्वालामुखीनज्ज्वालामभयध्यां सर्वसन्धिजां सूक्ष्मं ब्रह्माणि नैरज्य छायां सत्तेश्वरे तदा अहङ्कारमनोबुद्धिर्लज्य मे धर्मधारिणी प्राणापानाद्याणम् च समानकम् भक्षाचारेरज्य बाणम् कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे भस्ये च योगणे सत्त्वम् रजोत्तमर्जेलज्जे नारायणे सदा आयुः रक्षतु वारायि धर्मम् रक्षतु वैश्वे यशा कीर्तिम् च लक्ष्मीम् च धन विद्या च चक्रणे गोत्रविन्दानिभिरज्य पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रारक्ष्य महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्तानां सुखदारक्ष्य भाव्यं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिरा रक्षायिनं दुर्यातारं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ते पापनाशने पदम् एकम् न गच्छेतु जय जय शुभमात्मना कवचेनाभितो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तस्य दत्तार्थ लाभश्च विजयासादुकामिकः जञ्जञ्जञ्जये कामम् दन्तम् प्राप्नोति निःस्थितम् परमेश्वरमतुलम् प्राप्यते भूतलेपमान् निर्भयो जायते मत्यः सङ्ग्रामेषु परायितः ते लोके तु भयपूज्यः कवचेनापि तापमान् इदम् तु तेभ्यः कवचम् देवानामपि दुर्लभम् व्यापदे प्रतो नित्यम् त्रिसद्यान् सद्यान्वितः देवी कलापरे तस्य त्रैलोकेशपरायितः जीवर्षसंसाग्रमृत्यो विवर्जितः कश्यन्ति व्याव्या सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरम् जङ्गमम् चैव कृत्रिमम् चापि यद्विषम् अभिचारानि सर्वाणि मन्तयन्तानि भूतले भूचराः केचरा चैव यलया च वरेधिकाः सहजा कुलगामाला राज्ञी शाकनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा राज्ञः च महाबलाः ग्रहभूतविषादाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराजेतालः कुष्माणा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचेः संस्थिते
मानोन्मिवरेराक्षसेजविद्धिकलम्परम् यद्दावद्देशोऽभिकीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डिकृत्तालोकवचम्परान् यावद्भूमण्डलम् धत्ते सचैलावनगाननम् तावत्तिष्ठति मे विन्यासन्दे पुत्रपादके देहान्ते परमं स्थानं यक्षुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामायाविसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मानते ॐ अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रबन्धस्य विष्णुऋषिः अनुजवछन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा पीतये सप्तशरीपारहङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ चण्डीमङ्गलाकारे भद्रकाली कपालिनि दुर्गाश्वाशिवाधाते सहासदा नमस्ते जय त्वं देवि चामुण्ड्य जयभूतादिहारिणि जय सर्वकृते देवि कालरात्रि नमस्ते मधुकैटवृत्रादि विदाते वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि वैशासुरनिर्णाति भक्तानां सुकृते नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि रक्तबीजावहे देवि चण्डमण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि शुम्भस्य धूम्रायस्य च मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि वन्दिताङ्घ्रिसुखे देहि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि अशिन्दरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि नगव्या सर्वदा भक्त्या चण्डिके चरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि सुभद्रो भक्तिपूर्वकां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि चण्डिके सुखसंजेता भक्तिरन्दिह भक्तिदः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि विदेहि दृशकामनाशं विदेहि बलमज्जगैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि सुरासुरशिरोरक्तनिकृष्टजनम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि विद्यावन्दं यशस्वन्दं लक्ष्मीवन्दयनं कला रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि प्रचण्डदैत्यसर्वज्ञे चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि कृष्णेन संसुदे देहि षट्शतभक्त्यासदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि हिमाचलसुधानाथ संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि इन्द्राणि परिसर्वाव पूजते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि देवि प्रचण्डदोदण्ड नित्यदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि देवि भक्तनोदावदत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि अस्मि मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं
कारणे दुर्ग संसार सागरस्य गलद्भवा इदं सौतं बने जानो महासौतं बने नरः सातु सप्तशति संज्ञा वर्मा पन्हाते संपदाम् ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्धस्य शिवार्षेः अनुचलछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा विद्यतम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय दिवे दिव्यचक्षुषे शिवाभ्रातिनिमित्ताय नमः सोमाद्यधारिणे सर्वमेतद्विहारीयां सन्तानामुपकीटकम् सोऽभिजयमवाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु जाननादीनि वस्तूनि सकलान्नपि एतेन सुभदेवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्तो नौषधं तच्च नागिञ्जितमविद्यते विना चाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राणि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमानाः युक्तानि मन्त्रामाद सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रलेजण्डिकाय तच्च गुप्तं जगार्थः स्वभाक्तेन च पुण्यविनियन्त्रणाम् स्वाभिषेमो आप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायामचतुर्दशवर्षभ्यामासमाहितः ददाति प्रतिहिन्नादिनान्यदेशापसेदते इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलिताम् यो निष्कीलाम् विधायेन नित्यम् जपते संस्तुनाम् सिद्धा सगणा स्वपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवादस्य वयम् कापि अजायते नावशम् यादिमिदमक्षामवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य गुरुवेन न कुर्वाण विनश्यति ततो ज्ञातेव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्य देवदेः सोभाग्यादिजगेन्द्र दृश्यते ललनायने सर्वम् तत्प्रसादेन तेन याप्यमिदम् शुभम् सौते सम्पत्तिरुज्जगैः भवद्देवक्षमग्रावि तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् शक्तसारेण सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः श्रूयते सान किम् जनैः ॐ श्रद्धालुभक्तजन अभी तक श्री वेद्यासी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।